गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग आज यहां पर क्लास 10 का जो हमने पिछले वीडियो के अंदर में पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़े थे यूनिट नंबर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, उसके अंदर में हमने वहां पर इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़े और एनवायरमेंट और इकोसिस्टम का क्या रिलेशनशिप होता है ये वो पढ़े हमने वहां पर। आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 यूनिट नंबर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ये हमारा टॉपिक और हमारा यूनिट का नाम है, ठीक है। तो हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स एनवायरमेंट का कंजर्वेशन, ये कंजर्वेशन मतलब उसको उसकी सुरक्षा करना है एनवायरमेंट का, उसका तहफ्फुज, उसको किस तरह से आप पॉल्यूटेड होने से, खराब होने से आप बचाएंगे, ये हमारे को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो अब एनवायरमेंट का कंजर्वेशन हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम ये इसका कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, किस वजह से इसका एनवायरमेंट का कंजर्व करना, इसको सुरक्षित रखना, इसको बचाना हमारा जो काम है, क्यों जरूरी है कि हम इसे सुरक्षित रखना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ पर, क्या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर आपको। कंजर्व करना यानी कि बचाना, सुरक्षित रखना, सुरक्षित करना, सुरक्षा करना, हिफाजत करना, तहफ्फुज जिसको बोलते हैं उर्दू के अंदर में, वो हो रहा है यहाँ पर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट्स वाइज लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको यहाँ पर क्या। व्हेन सम नेचुरल फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट एंड सम आर्टिफिशियल पॉल्यूटेड फैक्टर हार्म द एनवायरमेंट। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर में पढ़ा है, पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि जो एनवायरमेंट है ये दो बेसिक फैक्टर से बना होता है, एक होता है बायोटिक फैक्टर, एक होता है अबायोटिक फैक्टर, इनसे ये एनवायरमेंट और इकोसिस्टम बना है। बायोटिक मीन्स रिलेटिंग टू लिविंग थिंग्स और अबायोटिक मीन नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड, जैसे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो अपने जो पार्ट्स होते हैं जो इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स के ऊपर में अफेक्ट करते हैं, उसको अपन बोलेंगे अबायोटिक फैक्टर्स। तो यहाँ ये दिया हुआ है क्या, व्हेन सम नेचुरल फैक्टर, नेचुरल फैक्टर्स यानी कि वही आ जा रहा है यहाँ पर बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक आ जा रहे हैं एनवायरमेंट के, एंड सम आर्टिफिशियल पॉल्यूटेड फैक्टर। आर्टिफिशियल स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल मतलब इंसान के बनाए हुए जो पॉल्यूटेड फैक्टर्स है, जैसे कि इंसान जो है, इंसान की जो बनाई हुई चीजें, जैसे कि मोटरसाइकिल, व्हीकल्स हो गया, ये इससे क्या है, बहुत सारा स्मोक्स, धुआं साइलेंसर के थ्रू बाहर निकलता है, तो वो क्या कर रहा है, एयर को पॉल्यूटेड कर रहा है, खराब हो रहा है, तो ये आर्टिफिशियल पॉल्यूटेड फैक्टर्स हुआ। उसी तरह जो इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है वो भी क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को, एयर को प्रदूषित कर रहा है, वो भी एक तरह का आर्टिफिशियल पॉल्यूटेड फैक्टर हुआ। तो ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट जो हमारा माहौल उसको ये क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसी तरह इट क्रिएट्स इम्बैलेंस बिटवीन वेरियस फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। उसी तरह अब ये जो नेचुरल फैक्टर्स जो है या फिर आर्टिफिशियल पॉल्यूटेड फैक्टर है, तो ये क्या कर रहे हैं, इम्बेलेंसिंग कर रहे हैं। बहुत सारे जो फैक्टर्स रहते हैं हमारे एनवायरमेंट, जैसे कि वाटर साइकिल ले लो, ठीक है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सारी जो नेचुरल चलने वाली जो साइकिल्स है, तो इनके अंदर में ये आर्टिफिशियल पॉल्यूटेड फैक्टर से क्या हो रहा है, इम्बेलेंसिंग क्रिएट हो रहा है वहां पर, डिफोरेस्टेशन कर ले रहे हैं, कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में ही रह रही है यहाँ पर ज्यादा एनवायरनमेंट में, क्योंकि प्लांट्स क्या करते थे, कार्बन को एब्जॉर्ब करते थे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, प्लांट्स नहीं रह रहे वहां पर, तो कार्बन जो है फिर कहाँ जा रही है, एनवायरनमेंट में रह रही है। और दिन भर दिन मोटरसाइकिल्स का क्या हो रहा है, यूज बढ़ते जा रहा है, और इंडस्ट्रीज जो है उसकी बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ हो रही है, वहां भी उसमें से भी स्मोक्स वगैरह निकल रहे हैं बाहर, केमिकल्स निकलता है, फिर वो वाटर के अंदर में वहां जाता है, तो वाटर को पॉल्यूटेड कर दे रहा है वो। इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, जो फैक्टर्स रहते हैं एनवायरमेंट के अंदर में बहुत सारे, जो अभी आपको बताए वाटर साइकिल, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन साइकिल, इसमें ये क्या कर रहे हैं, इसको इम्बेलेंस कर रहे है, इसमें गड़बड़ी पैदा कर रहे है, अल्टीमेटली अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर। और ये क्या करते हैं, फिर जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं यानी कि लिविंग थिंग्स रिलेटेड, यानी कि प्लांट्स, एनिमल और इंसान, इनकी बॉडी पर, इनकी जिंदगी पर भी क्या हो रहा है, इसका अफेक्ट हो रहा है, असर हो रहा है। फिर इस तरह से
At the present, many environmental problems have been arisen due to the effect of various natural and artificial factors on the earth. Environment, अब जो यहाँ पर जो at present यानी कि आज के दौर में आज के जमाने में क्या बोल रहा है, तो environmental problems बहुत सारी यहाँ पर क्या हो गई है, create हो गई है. क्यों create हो गई? Effect of various natural and artificial factors की वजह से. Natural कुदरती आफतें वगैरह आ रही है, सैलाब आ रहा है, जलजला आ रहा है, ठीक है ना, अर्थक्वेक वगैरह, ऐसे बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है यहाँ पर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, एनवायरमेंट खराब हो रहा है, या फिर आर्टिफिशियल फैक्टर्स हो रहा है, डिफोरेस्टेशन, इंक्रीज इन मोटरसाइकिल यूजेज, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, इसकी वजह से भी हो रहा है. तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर एनवायरमेंट प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रहा है, एनवायरमेंट हमारा खराब हो रहा है. तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज वन ऑफ दोज मेन फैक्टर, और इनमें से एक मेन फैक्टर क्या है हमारा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि हमारा एनवायरमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रदूषित हो रहा है, खराब हो रहा है. जनरली कंटेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इन इट इज इट्स फर्स्ट पॉल्यूशन, ठीक है. अब कोई भी मटेरियल है, जैसे कोई भी चीज जो कंटेमिनेटेड हो, जैसे पानी है, पानी कंटेमिनेटेड हो रहा है, खराब हो, कंटेमिनेशन मतलब खराब होना, तो उसको हम वाटर का पॉल्यूशन बोलेंगे. एयर है, एयर पॉल्यूटेड हो रही है, कंटेमिनेटेड हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा यहाँ पर ज्यादा बढ़ रही है, बहुत सारे डर्ट एयर के अंदर में प्रेजेंट हो जा रही है, आ रही है, तो वो क्या हो रहा है, एयर का पॉल्यूशन हो रहा है वहां पर. नॉइस का पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारा ट्रैफिक में आप लोग देखते हैं वहां पर कितना शोर शराबा रहता है, तो वो भी कंटामिनेशन हो रहा है एक तरह का, वहां पर नॉइस पॉल्यूशन कह रहे हैं उसको हम. इस तरह से बहुत सारे, यानी कि जो मटेरियल्स हैं यहाँ पर, जनरली कंटामिनेशन ऑफ एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल का कंटेमिनेशन, खराब होना, प्रदूषित होना, उसको हम क्या बोलेंगे, उस चीज का पॉल्यूशन बोलेंगे. जैसे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, इस तरह से. तो इस तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है, दिन बर दिन क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रदूषित हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है. अब ये किस वजह से हो रहा, कैसे हो रहा है, ये तो हम लोगों को पता ही है कि दिन भर हम व्हीकल्स का ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है, डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज क्या हो रही है इसकी, उसके अंदर में बहुत सारा ग्रोथ हो रहा है, इंडस्ट्रीज के अंदर फास्ट ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रीज बनाई जा रही है, उसमें केमिकल्स वगैरह का यूज करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो बाहर पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, जो स्मोक्स वगैरह निकलता है इंडस्ट्रीज में से, तो वो क्या करता है, एयर में, वहां पर एयर में मिलकर क्या करता है, एयर को प्रदूषित करता है. इस तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड. स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंज इन सराउंडिंग एनवायरनमेंट. अननेसेसरी मतलब यहाँ पर क्या हो रहा, अननेसेसरी मतलब गैर जरूरी, ठीक है ना, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर में क्या जा रहा है, बहुत सारे चेंजेस आ जा रहे हैं. और अनएक्सेप्टेबल चेंज, अनएक्सेप्टेबल चेंज मतलब जो है यहाँ पर गैर यकीनी बोलेंगे, अननेसेसरी और अनएक्सेप्टेबल. एक्सेप्टेबल यानी कि आप जो ऐसा चेंज जिसको आप हम उसको मतलब हमारे गुमान में भी नहीं रहेंगे ऐसा कि ऐसा चेंज आ जा रहा है जिसको कबूल, एक्सेप्टेबल मतलब कबूल करने वाला, और अनएक्सेप्टेबल मतलब उसका अपोजिट, ठीक है ना. तो गैर जरूरी और गैर जो यहाँ पर अपन बोलेंगे काबिले कबूल चेंज जो होता है इन द सराउंडिंग हमारे एनवायरनमेंट में काय की वजह से हो रहा है, वो नेचुरल इवेंट्स की वजह से हो रहा है. नेचुरल इवेंट्स जो के जैसे कि सैलाब आ रहा है, फ्लड जा आ रहा है, ठीक है, अर्थक्वेक वगैरह, कई बहुत ज्यादा तेज हवाएं वगैरह चल रही है, कुदरती आफतें जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है ना, डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर एनवायरनमेंट में अननेसेसरी और अनएक्सेप्टेबल चेंजेस आ रहे हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर इंसानों की बनाई हुई चीजों की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. तो उस चीज को हम कहते हैं एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि ये एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन की ये डेफिनेशन यहाँ पर हुई है. क्वेश्चन आया अगर आपको यहाँ पर कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो फिर आपको वहां पर ये डेफिनेशन लिखना पड़ेगी कि अननेसेसरी अनएक्सेप्टेबल चेंज, ठीक है, यानी कि ऐसा चेंज जिसके जो अननेसेसरी हो रहा है, अचानक से हो जा रहा है, ठीक है, और
बर्दाश्त के वो भी हो जाता है वो चेंज। जैसे अभी सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी हमको वहाँ पर बहुत ज्यादा फीलिंग होती है सर्दी, बर्दाश्त नहीं हो पाती है, तो अनएक्सेप्टेबल चेंज हो रहा है वहाँ पर एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक, तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर में काय की वजह से, ड्यू टू नेचुरल इवेंट्स या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, तो उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन। उसके बाद में सेकंड जो दिया हुआ आपको, तो ये जो एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन है ये क्या करता है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट चेंज इन फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल। तो ये जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्या करता है, ये जो नेचुरल जो प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर नेचुरल जो चीजें दिख रही है आपको, एयर वाटर एंड सॉइल, इनके ऊपर में ये क्या करता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इनके ऊपर उनको चेंज कर देता है। इनकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है, उसको ये क्या कर देते हैं, डायरेक्टली चेंज कर देते हैं। कौन, ये पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो जिससे क्या होता है फिर, विच विल बी हार्मफुल टू ह्यूमन, जो क्या हो जाते हैं फिर, इंसानों के लिए हार्मफुल हो जाते हैं, और सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, दूसरी जो लिविंग थिंग्स होती है उनके लिए भी क्या हो जाते हैं, ये हार्मफुल हो जाते हैं। जैसे कि एयर है, हवा चेंजेस हो रहा है एनवायरमेंट के अंदर में, बहुत ज्यादा हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है, जैसे समर सीजन में चलती है, तो बहुत ज्यादा गर्म हवा चलती है उस समय में वहां पर, तो उससे क्या है वहां पर, वो हमारी बॉडी पर भी इफेक्ट करती है गर्म हवा। उसी तरह जो अदर लिविंग थिंग्स रहते हैं, एनिमल्स वगैरह, उन पर भी उसका इफेक्शन होता है हवा का, गर्म हवा, ऊपर जहाँ प्लांट्स पर के पत्ते वगैरह गिर जाते हैं। उसी तरह पानी वगैरह, पानी का और सॉइल का भी, ये भी क्या होता है, चेंजेस आते हैं इनके अंदर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से, उसका भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारी बॉडी पर और दूसरे लिविंग थिंग्स जो है, प्लांट्स एनिमल, उस पर भी उनका क्या होता है, इफेक्ट होता है, असर होता है। तो अब ये जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है ये पॉल्यूशन, एनवायरमेंट हमारा पॉल्यूटेड काय की वजह से हो रहा है, क्या कारण है इसका, क्या वजह है, तो यहाँ पर आपको इसकी वजह दी है, वेरियस रीजन लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि आबादी में दिन ब दिन क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, आबादी बढ़ते जा रही है, आबादी बढ़ रही है, तो उसके लिए फिर क्या, आबादी बढ़ रही है तो फिर वहां पर रहने के लिए घर वगैरह जो बनाए जा रहे हैं वो क्या, अपने जो प्लांट्स रहते हैं उनको कट करके उनकी जगह पर वहां पर घर वगैरह बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज बनाई जा रही है, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडस्ट्रीज है उनके अंदर में बहुत ज्यादा तेजी से क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज बनाई जा रही है, ये भी एक कारण है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का। फिर इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे एयर वाटर, ये तो इनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज, यानी के बगैर सोचे समझे बहुत ज्यादा इसका यूज करना। जनरल जैसे कि हम लोग देखते हैं क्या, पानी जब आता है, नल वगैरह आते हैं, तो बहुत सारे लोग पानी वगैरह भरने के बाद भी क्या करते हैं, पानी बहाते हैं, तो ये क्या होगा, इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो गया वाटर का, यानी कि बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरत नहीं भी है तो फिर वहां पर उसका नेचुरल रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, तो ये भी एक इसका कारण है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का। डिफोरेस्टेशन है, प्लांट्स को, ट्रीज को कट कर दिया जा रहा है, एंड अनप्लांड अर्बनाइजेशन, और अनप्लांड अर्बनाइजेशन यानी कि जो शहर वगैरह होते हैं उनको, शहरों के जो उनका जो सिस्टम रहता है वो कैसा अनप्लान रहता है, बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे हैं ऐसे यहाँ पर अनप्लान अर्बनाइजेशन, ये भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए। यहाँ भी एक स्टूडेंट से एक क्वेश्चन बनता है, क्या राइट डाउन विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो आपको यहाँ पर ये रीजन लिखना पड़ेगा, क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिफोरेस्टेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ये दो क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर, क्या एक तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और दूसरा विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, उसके आंसर भी यहाँ पर ही ये लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स, पॉल्यूशन जो है इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, पॉल्यूशन जो है ये क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा क्या है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर में, ये दिन बर दिन जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है ये बहुत बड़ी मुसीबत है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर में, क्या ये पॉल्यूशन किस तरह से बढ़ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर,
क्या हो रहा है, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन लाइक दैट, सिर्फ एक अकेला एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ही नहीं है, बहुत सारे अलग अलग तरह के पॉल्यूशन है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, साउंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, थर्मल लाइट पॉल्यूशन होता है, ये पॉल्यूशन अकर अराउंड अस, ये इतने सारे जो पॉल्यूशन है ये हमारे सराउंडिंग में, हमारे अतराफ में क्या हो रहा है, दिन बर दिन बढ़ रहे हैं, इसलिए बोलिया गया ये पॉल्यूशन जो है एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बड़ी क्या है ये मुसीबत है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा मसला है ये हम सबके लिए। क्या अल्टीमेटली एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑल दीज इज ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है यहाँ पर, ये जितने भी पॉल्यूशन दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, उसके एग्जाम्पल एयर, वाटर, साउंड, सॉइल, थर्मल पॉलाइट पॉल्यूशन, तो ये क्या करते हैं, ये अल्टीमेटली हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है यानी कि हमारे ऊपर, प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर में, ये क्या करते हैं एडवर्स इफेक्ट करते हैं, यानी कि नुकसान जो रहता है, एडवर्स इफेक्ट जिसको अपन बोलेंगे, हमारे लिए ये हार्मफुल होते हैं, हम सब के ऊपर, हमारी बॉडी पर, हमारे रहन-सहन पर, क्या करेंगे ये एक बहुत ही मुजिर, एडवर्स बोले तो खतरनाक, मुजिर उर्दू में बोलते हैं उसको वहां पर, कि ये असर करता है, बहुत ही नुकसानदेह है ये हम सबके लिए। आउट ऑफ दिस एनवायरमेंट कंजर्वेशन हैज बिकम द नीड ऑफ आवर, इसलिए ये हमारा जो है यहाँ पर एनवायरमेंट, क्योंकि ये सारे जो पॉल्यूशन है कहाँ है, एनवायरमेंट पर, एयर भी एनवायरमेंट का हिस्सा है, वाटर भी एनवायरमेंट का हिस्सा है, तो ये हम सबका फिर यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, एनवायरमेंट को क्या करना चाहिए, यहाँ पर कंजर्व करना है किस तरह से, यानी कि अगर आपने एनवायरमेंट को कंजर्व किया है यहाँ पर, तो फिर सारी प्रॉब्लम जो है पॉल्यूशन से रिलेटेड, एयर वाटर, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है ये क्या हो जाएंगी, वहां पर कम हो जाएंगी, इसलिए हमें एनवायरमेंट को कंजर्व करना यानी कि इसको सुरक्षित बनाना, महफूज बनाना, इसको तहफुज देना हमें बहुत जरूरी है। और ये हम किस तरह करेंगे, ये हम आगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नीड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, क्या आप एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की जरूरत क्यों है, कैसे है, और आप किस तरह ये करेंगे इसको, एनवायरनमेंट को कंजर्व, तो ये हम अगले हमारे नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पर पढ़ने वाले। स्टूडेंट्स, नीड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन जैसे हमने अभी पढ़े हैं यहाँ पर पिछले टॉपिक में, क्या एनवायरनमेंट प्रदूषित किस तरह है, पॉल्यूटेड कैसा हो रहा है, अब फिर उसको हमें कंजर्व करना है, बचाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या जो हमारे जो पीपल है, जो पब्लिक है, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर एनवायरनमेंट का, उनको इम्पोर्टेंस बताएंगे, महत्व बताएंगे उनको वहां पर, क्या ये एनवायरनमेंट जो हमारा है, हम जहाँ रहते हैं, ये हमारे लिए कितना जरूरी है, इससे हमें क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या चीजें हमारे को इससे यहाँ पर मिलती है, बड़े पैमाने पर हम यहाँ पर जो है इसको बताएंगे, उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्या देखो इट विल, अब ये कैसे पॉसिबल होगा, आप इतने सारे लोगों को आप यहाँ पर कैसे बताएंगे यहाँ पर, क्या ये एनवायरनमेंट को हमें सुरक्षित करना है, कंजर्व करना है, बचाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे, इट विल बी पॉसिबल टू आंसर द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ओनली इफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन बिकम एन इफेक्टिव पब्लिक मूवमेंट। क्या करेंगे आप वहां पर, के जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है तो वो हम वहां पर लोगों को बताएंगे, पीपल्स को, क्या ये एनवायरमेंट किस तरह से यहाँ पर इसके प्रॉब्लम हो रही है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ये सारी चीजें हम वहां पर बताएंगे, तो इसके लिए क्या किसकी मदद लेंगे आप, ओनली इफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन बिकम एन इफेक्टिव पब्लिक मूवमेंट, यानी कि ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन जो है, या आप इफेक्टिव पब्लिक मूवमेंट्स के, तो यानी कि आप चलकर लोगों के घर घर जाकर प्रोग्राम्स वगैरह करके लोगों को बताना है यहाँ पर पब्लिक को, क्या हमारा ये एनवायरनमेंट किस तरह से प्रदूषित हो रहा है, खराब हो रहा है, किस तरह से इससे प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही है वहां पर, तो ये सारी चीजें हम इसको बोलेंगे क्या पब्लिक, इफेक्टिव पब्लिक मूवमेंट्स, यानी कि आप लोगों के अंदर जाकर उसको आप उजागर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, फॉर दिस पर्पज वैल्यूज लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, कि भाई हाँ हम ये कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को हम कंजर्व कर सकते हैं, लोगों को भी हम वहां पर बताएंगे इसी तरह, क्या ये हमें करना चाहिए यहाँ पर जो है पॉजिटिव एटीट्यूड की मदद से,
और अफेक्शन टुवर्ड एनवायरनमेंट, नॉलेज और एनवायरनमेंट के ताल्लुक से, एनवायरनमेंट के बारे में हम जो है नॉलेज जो है वो लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर में बताएंगे, स्पेशली चिल्ड्रंस के अंदर में। देखो क्या शुड बी इनकलकुलेट अमंग द चिल्ड्रन सिंस देयर चाइल्डहुड, छोटे बच्चों के अंदर में हम बचपन से ही उनको ये बताएंगे एनवायरनमेंट का महत्व, एनवायरनमेंट की अहमियत हम वहाँ पर बताएंगे। अगर छोटे बच्चों को वहाँ पर बचपन से ही ये सारी चीजें बताई जाए तो फिर बड़े होकर क्या करेंगे, उसकी केयर करेंगे और आने वाली जनरेशन के लिए फिर हमारे क्या होंगे, एनवायरनमेंट कंजर्व हो पाएगा, अदरवाइज फिर मुमकिन ही नहीं है। वहां पर बहुत सारी चीजें हो जाए, अपने एनवायरनमेंट बहुत पहले ही ऑलरेडी बहुत सारा वो हो रहा है, यहाँ पर पॉल्यूटेड होते हुए आ रहा है एनवायरनमेंट, फिर अब यहाँ पर पब्लिक मूवमेंट्स के थ्रू बता ही नहीं जा रहा है यहाँ पर, तो फिर क्या होगा और इंक्रीज हो जाएंगे वहां पर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, फिर आगे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके लिए क्या होंगे यहाँ पर बहुत सारे डिफिकल्टीज हो जाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पर इसके एनवायरमेंट को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, टीवी वगैरह के थ्रू बताएंगे वहां पर क्या किस तरह से एनवायरमेंट प्रदूषित हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसे कैसे बचाना चाहिए, रेडियोज के थ्रू बताएंगे, पेपर्स वगैरह अखबारात में न्यूज वगैरह देकर या फिर प्रोग्राम्स वगैरह करके वहां पर बताया जाता है। इसमें हम भाग लेंगे बड़े पैमाने पर लोगों को जमा करने का, उनको भी बोलने का कि पार्टिसिपेट हो यहाँ पर हमारे साथ। फिर इस तरह से जब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप ये काम करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट भी आपको वहां पर अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर दो चीजें देखे हैं, क्या एनवायरमेंट कंजर्वेशन और नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, और इसमें हमारी भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अपन देख ही लिए यहाँ पर कि हमें भी, अब हम भी यहाँ एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि हम भी हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखें, अच्छा रखें और दूसरों को भी ये बताएं कि किस तरह से हम यहाँ पर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस एनवायरनमेंट को बचाएंगे, अदरवाइज फिर ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा मसला बन जाएगा यहाँ पर पॉल्यूशन का, जिससे जिसका इफेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने पढ़े कि हमारी बॉडीज पर, लिविंग थिंग्स की जो बॉडी है, लिविंग थिंग्स की जो रोज डेली की जो लाइफ है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम भी क्या करें, इन्वायरमेंट को प्रदूषित होने से बचाए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने इतना पढ़े है, आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी स्टूडेंट्स। ओके, जाने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से बता देते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और इस ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा यहाँ पर, अच्छा है लगा है तो इसके लिए आप लाइक करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको गुड बाय, अलविदा।